मित्रों हूँ छू सैयद शकील, सत्य डे में आप सबनो स्वागत छे। नवरात्रि महोत्सव पूर्णता पूर्ण थी गयु छे अने दशहरा वरसाद विघ्न वच्चे उजवणी थी। रावण पुतळानुं दहन करवामां आव्युं, परंतु काले रात्रे एक घटना एवी बनी कि जे घटना है मुंबई ज नहीं परंतु समग्र देश में खळभळाट मचावी दीधो हतो। ज्यारे रात्रिना समय मुंबईनी गलीओ में सन्नाटो होय छे तेटली त्यारे के एक असामान्य घटना बनी जाय छे। गई काले रात्रे पण एक असामान्य घटना बनी, ज्यारे एनसीपीना नेता अने महाराष्ट्रना पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकीनी हत्या करवामां आवी। तेमना पर त्रण हुमलाखोरोए फायरिंग कर्युं अने तेमना घरनी पासे खेरवाड़ी बांद्रा स्थित तेमना निवासे तेओ ज्यारे फटाकड़ा फोड़ी रह्या हता अने पोतानी ऑफिस में पोताना पुत्र जीशान साथे हता त्यारे तेमने त्रण गोळी मारीने तेमनी हत्या करी देवामां आवी। हमेशा पोतानी राजकीय गतिविधिओ माटे जाणीता बाबा सिद्दीकी पर अचानक ज आ खूनी हुमलो थयो अने तेओ तेना शिकार बन्या। आ हत्याकांडी मात्र राजकीय वर्तुळमां ज नहीं परंतु सामान्य लोकोमां पण जबरदस्त भयनो माहौल उभो थई गयो छे। मुंबईनी तरह जोईए तो मुंबई एक वक्त अंधारी आलमनो गढ़ हतो अने मुंबईमां अंधारी आलमां दाऊद इब्राहिम सहित अनेक डॉन त्यां हता। छोटा राजनू पण आपणे नाम लई शकीए छे। आजे छोटा राजन जेलमां छे अने दाऊद इब्राहिम भागेलुं छे। मुंबई में वर्षों पछी आ प्रोफेशनल किलिंग की घटना बनी है। मुंबई पुलिस माटे एक रीते आ मोटो तमाचो है। मुंबई पुलिस अने मुंबईना पुलिस कमिश्नर माटे आ स्थिति खूब विचारवा जेवी है अने मुंबई पुलिस नो जे दबदबो हतो अने मुंबई पुलिस आखा विश्व में वखणाती हती, आजे मुंबई पुलिस माटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अने सलमान खान फिल्म अभिनेता सलमान खान नी हत्या करवा माटेनी खुल्लेआम धमकीओ अने तेमना घरे फायरिंगनी घटनाओ पण मुंबई पुलिस माटे विचारवा योग्य बनी जाए छे के मुंबईमां कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति शुं छे। कांग्रेसना नेता सांसद अने लोकसभामां विपक्षना नेता राहुल गांधीए स्पष्टपणे कह्युं छे के महाराष्ट्रमां अने मुंबईमां कायदो व्यवस्थानी स्थिति ध्वस्त थई गई छे। आपणे वात करीए छे बाबा सिद्दीकी हत्यानी डिटेलनी। आ भयानक हत्या केसमां मुंबई क्राइम ब्रांचे मोटी कार्यवाही करी अने बे शूटरोनी धरपकड़ करी। धरपकड़ करायेला आरोपीओनी ओळख हरियाणाना गुरमेल बज्जीसिंह अने उत्तर प्रदेशना धर्मराज राजेश कश्यप तरीके थई छे। आ घटनाए मुंबईना लोकोने हचमचावी नाख्या छे, कारण के हत्यानी घटना मात्र एक नेतानी नहोती थई परंतु मुंबईनी सुरक्षा माटे पण आ घटना मोटो खतरो बनीने पाछी उभी थई गई छे। जे वस्तु एम कहेवा छे के हवे मुंबईमांथी अंधारी आलमनो सफायो थई गयो छे। गैंगस्टरो क्यांय पण जोवा मळता नथी अने गैंगस्टरोनो पण सुपला साफ करी देवामां आव्या छे। मुंबईना अनेक पोलीस अधिकारीओ ए अंधारी आलम अने गैंगस्टरोनो सफायो करी नाख्यो होवानो दावो करवामां आवे छे। हवे वात आवे छे के बाबा सिद्दीकीनी हत्या शाना माटे करवामां आवी छे। बाबा सिद्दीकी अने आ हत्या पाछळना जे कोई पण मास्टर माइंड छे शार्प शूटरो छे तेमनो उद्देश्य अने इरादो शुं हतो। हत्यानी जवाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गेंगे स्वीकारी छे। आ लॉरेन्स बिश्नोई गेंगे चारेक महीना पहेला सलमान खानना घर पर फायरिंग कर्युं हतुं। लॉरेन्स बिश्नोई गेंगे फेसबुक पर एक पोस्ट लखीने स्पष्टपणे कह्युं छे के अमारा लोको अने अमारा भाई अनुज थापनना हत्यानो आ बदलो लेवामां आव्यो छे। बिश्नोई गेंगनी फेसबुक पोस्टमां सत्यता केटली छे परंतु आपणे अने पोलीस पण एवी तपास करी रही छे कि आ पोस्टमां हकीकत शुं छे। फेसबुक पोस्टमां लॉरेन्स बिश्नोई गेंगे आगळ लख्युं छे कि सलमान खान अमे आ युद्ध इच्छता न हता परंतु ते अमारा भाई लॉरेन्स बिश्नोईने नुकसान पहोंचाड्यू छे। आजे बाबा सिद्दीकीनी शालीनता अने तेमनी ईमानदारीना फूलो बंधाई रह्या छे। ते एक समय दाऊद साथे हतो, मकोका एक्टमां पण ते हतो अने अमारा भाई
અનુત્થાપનની મોતનું કારણ બન્યું છે। હવે આ ગેંગના દાવાઓની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે અને પોલીસ માસ્ટર માઇન્ડને પણ શોધી રહી છે। ગેંગે એવી પણ ચેતવણી આપી છે કે જે કોઈ સલમાન ખાન અને દાઉદની ગેંગની મદદ કરશે તેને તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે। લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનો આ ફેસબુક પોસ્ટ પોલીસ માટે મુંબઈ પોલીસ માટે નવા પડકારો ઊભા કરી રહી છે, કારણ કે ગેંગે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે જો કોઈ તેમના ભાઈને નુકસાન પહોંચાડે છે તો તેઓ તેનું રિએક્શન આપશે। એટલે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગે ખુલ્લેઆમ પોલીસ સાથે મુંબઈના તમામે તમામ સેલિબ્રિટીઓ ફિલ્મ એક્ટરો માટે પણ એક રીતે જોવા જઈએ તો ભવિષ્યમાં મોટો ખતરો અને મોટી ભયાનક ચેતવણી અને ધમકી ખુલ્લેઆમ આપી દીધી છે। હવે જોવાનું એ રહે છે કે પોલીસ આ કેસની અંદર શું કરે છે। વાત આપણે કરીએ છીએ તો આગળની વાતમાં એવું છે કે બાબા સિદ્દીકીની હત્યામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની જે કબૂલાત છે તે કબૂલાત એવી છે, બાબા સિદ્દીકીના નિવાસસ્થાન અને ઓફિસ પર એ લોકો રેકી કરી રહ્યા હતા, સતત તેમની વોચ હતી। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો, અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। સત્તરે.com આઝાદી સમાચારોની।